अब तक कविता इजहर के इस एवरग्रीन शानदार ऑनलाइन कंपटीशन की एंट्रीज का पार्ट वन आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और सॉरी कि मुझे पार्ट टू बनाने में इतना डिले हुआ है, 4-5 दिन का डिले हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने चैनल पर कई अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन अभी अभी अपडेट करे जिनके ऑफर हमारे पास थे, तो पहले उनकी जानकारी आपके समक्ष देना ज़रूरी था। और आज भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार कॉम्पिटिशन आएगा, तो चलिए इसका पार्ट टू डिस्कस करते हैं। 31st एंट्री है राज बगोल की, जिन्होंने रिपब्लिक डे पर एक बढ़िया आर्टवर्क बनाया है। 32 नंबर पर है दीपिका कृति, जिन्होंने मकर संक्रांति हैंडराइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है श्रेया घोषाल नामक पार्टिसिपेंट, जिन्होंने रिपब्लिक डे पर आर्टवर्क बनाया है। नेक्स्ट है ये शानदार माइंड ब्लोइंग आर्टवर्क जिसको क्रिएट किया है उपमा रॉय ने। वॉट एन आर्टिस्ट, वॉट अ टैलेंट। इसके अलावा बात करते हैं 35th एंट्री की सुदर्शना भट्टाचार्य, जिन्होंने आज़ाद हिंद इस पर रिपब्लिक डे आर्ट ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। 36 नंबर पर है आर्ट कंपटीशन के एक और पार्टिसिपेंट ऋषिकेश चेतिया। नेक्स्ट है 37 पे मकर संक्रांति के कंपटीशन में इप्सिता बनिक पीयू। नेक्स्ट है तान्या गौर, जिन्होंने आर्ट कंपटीशन को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट है 39 एंट्री मोमिन सूफिया बानू, इन्होंने भी रिपब्लिक डे पर ड्राइंग बनाई है। और एक बार मैं बता दूं कि तान्या गौर की जो ड्राइंग है इसमें एक गलती है कि इन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस लिखा है इंस्टेड ऑफ रिपब्लिक डे, शायद ये इनकी पुरानी आर्टवर्क है। निशा की बात करें तो ये है मकर संक्रांति हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन की पार्टिसिपेट 40th नंबर। 41st पर है शिवम सिंह पटेल, इन्होंने रिपब्लिक डे आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है यश मोर मकर संक्रांति के राइटिंग कंपटीशन के पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है ये एक और शानदार आर्टवर्क जिसको आप गेस कर सकते हैं किन्होंने बनाया है, जानवी मिश्रा ने बनाया है, जो हमारे रेगुलर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती हैं और अपनी एक ब्यूटीफुल लेगेसी बनाती हैं। इनके आर्टवर्क काफ़ी अच्छे होते हैं। नंदिनी पार्टी की बात करें 44th पार्टिसिपेंट, ये हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स में से हैं और इन्होंने भी बढ़िया आर्टवर्क बनाया है। नेक्स्ट है शाची पांडे, जिन्होंने 45th एंट्री के रूप में आर्ट बनाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्नेहा साहनी की, एक और आर्ट पार्टिसिपेंट, इन्होंने भी अच्छा किया है। नेक्स्ट है 47 पर हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन की पार्टिसिपेंट एवेल मोहम्मद रिफत, मकर संक्रांति इनका टॉपिक है। इसके अलावा 48 पर है एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन की पार्टिसिपेंट अंजलि, इनका सिंगिंग अभी आप देख लीजिए। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केशरिया तेरा इश्क है प्यारा, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहना सारी तेरी खैर मनाऊं, केशरिया तेरा इश्क है प्यारा केशरिया। 49 पर है एक और सिंगर जिनकी वॉइस आपको जरूर पसंद आएगी, विद्या पांडे। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। 50 नंबर का जो आर्टवर्क है वो भी बहुत ही बढ़िया है, सोहिनी पंडित ने बनाया है और आप देख ही सकते हैं कि कितना माइंड ब्लोइंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51 नंबर अंजलि मिश्रा हैंडराइटिंग मकर संक्रांति। नेक्स्ट है
ये वाली आर्टवर्क जो बनाई है सव्यसाची वनिक तीर्था ने, और इसके अलावा इन्होंने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन मकर संक्रांति में भी पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राधिका वर्मा की, मकर संक्रांति की पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है 54 नंबर पर बाबू, जिन्होंने भी एक अच्छा आर्टवर्क बनाया है। इसके बाद आते हैं रंगानाथ समानी सलमानी, जिन्होंने रिपब्लिक डे पर यह आर्ट बनाया है और मकर संक्रांति पर हैंड राइटिंग करी है। 56 नंबर पर है देवांजान बनर्जी, तो इनकी सिंगिंग का आप सुन लीजिए। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया। केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारी तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारी तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है एक आर्ट और एसे कंपटीशन के पार्टिसिपेंट अनमोल बिसाई, इन्होंने कलरिंग काफ़ी अच्छी करी है इन आर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की, 58 है अंकिता पांडा। नेक्स्ट है आर्यन दोंगारे, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क बनाया है। 60 नंबर पर है कौशिक कोले, इन्होंने भी बढ़िया काम किया है। और 61 पर है भव्या राजा आंवला, इन्होंने भी अच्छा ही किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ, टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।